सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो पिछला मैच में आपने देखा होगा कि लॉरा उलवर्दत और बेथ मूने को हमने कैप्टन वाइस कैप्टन दिया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा करा उन्होंने। और इस वीडियोस पे भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा वाला, जो कि हमारे पिछले मैचेस में, कई सारे मैचेस में आपने देखा होगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग के मैचेस में हम एकदम क्लीन स्वीप जो है एसएल विन कर रहे हैं और जीएल में भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आज जो है देखने को मिलेगा यूपी वॉरियर और वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच जो है ये मैच होने वाली है। ये मैच 13th मैच होने जा रही है, ठीक है, 7 मार्च 2024 को 7:30 PM में ये मैच होगी। ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, एवरेज स्कोर क्या जाने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टीम मिल जाता है, इस टीम में मिलते हैं आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन, जो कि आपके लिए बेस्ट होता है। और यही 5 से 6 टीम आपको जीएल, एसएल और मिनी जीएल सारे के सारे विन कराते हैं। तो हमारे वीडियोस पर लास्ट तक बने रहिए, यहाँ पे आपको एक बना बनाया हुआ टीम मिल जाएगा और इस टीम में आपको मिलेंगे 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। ठीक है, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। तो इस चैनल पे जो है पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, एट द रेट इंडियन यूट्यूबर दीपक जेम आपको सर्च करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल लेटर आपको सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री टीम, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और फैंटेसी रिलेटेड अपडेट्स। और भाई, हमारे नाम से कई सारे फेक आईडी खुले हुए हैं, यानी कि फेक चैनल खुले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। वहाँ पे प्राइम मेंबरशिप के नाम से आपसे वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं और आप दे देते हो, फिर आके हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो कि ये बंदा जो है सही नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे चैनल पे पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप बेस्ट तरीका अपनाएं, जो कि आपको लिंक हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे, सही वाले चैनल पे पहुंचेंगे। हमारे इस वाले डीपी को जो है कई लोगों ने लगा के रखा है, पता नहीं कैसे डाउनलोड करते, कहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप पहुंच जाते हो। तो हमारे जो है सब्सक्राइबर बेस आप देख सकते हैं, 17K के आसपास है, 17K के आसपास है और 18K के लगभग में। ठीक है, तो इतना हमारा सब्सक्राइबर है टेलीग्राम चैनल पे, जो कि ओरिजिनल है, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते, ये हमारा जो है ओरिजिनल चैनल है। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ये जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री टीम दी जाती है, कोई प्राइम मेंबरशिप वगैरह हमारे यहाँ नहीं चलाया जाता है। तो इस गलत फहमी से दूर रहे कि हम आपसे पैसे वगैरह लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हम फ्री में देते हैं। ठीक है, तो आप कहीं और जाके यहाँ पे आके कमेंट ना करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये जो है जीएल वगैरह, यहाँ पे जीएल और एसएल सभी के सभी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू स्टेट्स। तो आज का जो वेन्यू स्टेट्स है कुछ इस तरह से है, यहाँ ये जो मैच होने जा रही है अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रही है। वहाँ की पिच रिपोर्ट की बात कर तो पिच जो है यहाँ पे बैटिंग पिच है। ठीक है, बैटिंग पिच है। पिछले मैचेस में आपने देखा होगा कि हमने बॉलिंग बताया, लेकिन ये जो पिच है एक तरह से न्यूट्रल है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को ही सपोर्ट करता है, ये बैलेंस पिच है कह सकते हैं। ठीक है, और ये स्पिनर्स बॉलर को ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है इस पिच पे। तो स्पिनर्स बॉलर को आप अच्छे से अपने टीम में सेलेक्ट करें, ताकि आपको अच्छा से वो विकेट लेके और अच्छा खासा पॉइंट दे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मैच की बात करें, जो कि अभी जो रिसेंट मैच हुए तो एक मैच हुए, और यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने भी एक मैच विन कर लिए, कल आपने देखा होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 0 मैचेस विन किए, टोटल टाई जो है 0 हुआ है। एवरेज स्कोर की बात कर तो 167 रन बने हैं और हाईएस्ट स्कोर की बात कर तो 231 यहाँ पे बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे। और लोवेस्ट स्कोर की बात करें जो कि 66 पे, यहाँ पे 10 विकेट गिरे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न कैसा है, तो स्कोरिंग पैटर्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 के नीचे जो है 0 टाइम, 150 और 169 के बीच जो है यहाँ पे 0 टाइम रन बने, 170 और 189 के बीच जो है 1 टाइम रन बने। यहाँ पे हम जो है लेके चल सकते हैं इस पिच पे 170 एवब जो है आराम से रन बन जाते हैं। तो एक हम यहाँ पे स्कोर एवरेज लेके चलेंगे कि 167 के आसपास जो है यहाँ पे रन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रीवियस इनिंग स्कोर। तो प्रीवियस इनिंग फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे एवरेज स्कोर देखें तो 111 रहे हैं, और यहाँ पे एवरेज विकेट देखें तो एवरेज विकेट जो है यहाँ पे 8
रहा है। और यहाँ पे एवरेज स्ट्राइक रेट देखें स्पिच की, तो यहाँ पे जो है 92.36 का रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज रन जो है 108 है, और एवरेज विकेट की बात करें जो यहाँ पे 4 है, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पे 109.12 का रहा है, ठीक है। और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 70.0 डिग्री सेल्सियस क्लाउड, यहाँ पे मिस्ट वेदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेन परसेंट 0 है, यानी कि बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्लियर स्काई रहने वाला है, ठीक है। और ये जो है दिल्ली इंडिया 7 मार्च 2024 को ये मैच होने जा रही है, जो कि दिल्ली में है, अरुण जेटली स्टेडियम, आपको भी पता होगा, ठीक है। 20% यहाँ पे क्लाउड आपको नजर आएंगे, और यहाँ पे विंड स्पीड जो है 2.60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबल प्लेयर जो कि यूपी वॉरियर से होने वाले हैं, जो कि यूपी वॉरियर से खेले जाने वाले हैं, और यहीं पे हम आपको बताएंगे हमारे लिए कौन बेस्ट होंगे और किस प्लेयर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टीम मिल जाएगा और उस टीम में मिलेगा आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलाइजा हेली, केपिन एवगिरे, सी आटापट्टू, ग्रेस हैरिस, एस शेरावत और दीप्ति शर्मा, पीएन खेमनार, साइमा ठाकुर और यहाँ पे सोफी एक्लेस्टोन, अंजलि सरवानी और यहाँ पे आर गायकवाड़, राजेश्वरी गायकवाड़, ठीक है। तो इतने सारे प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आएंगे यूपी वॉरियर से। अब इसमें से जो है हमारे लिए बेस्ट कौन खेलेंगे, तो यहाँ पे एलाइजा हेली, केपी नेवगिरे, ठीक है। तो इन दोनों को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सी आटापट्टू, तो आप जो है सी आटापट्टू को आप सी और वीसी यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेस हैरिस को आप सी वीसी में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एलाइजा हेली को सीबीसी में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 प्लेयर जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट आज देने वाला है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सोफी इक्लेस्टोन, तो ये जो है इसको भी आप सी एंड वीसी बना सकते हैं अपने टीम में। अगर नहीं भी बना रहे हैं फिर भी आप अपने टीम में जरूर रखिएगा इसको, काफ़ी अच्छा खासा ये जो विकेट लेके देने वाली है आज, ठीक है। अंजलि शर्मानी को आप चाहें तो रख सकते हैं, या फिर राजेश्वरी गायकवाड़ को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो पीएन खेमनार है इसको आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे ड्रॉप करके पीएन खेमनार को दीप्ति शर्मा के साथ जा सकते हैं। अगर आप पीएन खेमनार को सिलेक्ट नहीं करते तो दीप्ति शर्मा के साथ जाए, दीप्ति शर्मा को आप चाहें तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि मुंबई इंडियंस से होने वाले हैं, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हैली मैथ्यू, यस्तिका भाटिया, नेटाली साइवर, एच कौर, अमेलिया कार और यहाँ पे पूजा वस्त्राकार, संजीवन संजना और यहाँ पे अमनजोत कौर, हुमेरिया काजी और शबनी मिशमेल और साइका इशाक। तो इतने सारे प्लेयर आपको मुंबई इंडियंस से खेलते हुए नजर आएंगे। तो मुंबई इंडियंस से जो बेस्ट खेलेंगे, चलिए आपको बताते हैं जो हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन, 5 से 6 टीम अगर हम बना रहे हैं तो किसको बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो यहाँ पे यस्तिका भाटिया, ठीक है, यस्तिका भाटिया को हम बना लेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि पिछले मैचेस में 2 या 3 मैचेस में फ्लॉप रही है, डीटी टीम में सिर्फ रही है, कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी इन्होंने नहीं खेला है, तो इसको हम बना लेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। और यहाँ पे हैली मैथ्यू, हैली मैथ्यू को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है अभी हैली मैथ्यू का, तो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेंगे। और यहाँ पे एच कौर है, ठीक है, तो पिछले मैचेस में आपने देखा होगा एच कौर जो है सस्ते में निपट गई, मतलब अच्छा खासा रन इन्होंने स्कोर नहीं कर पाया, तो इसको जो है आज वाले टीम में आप रिस्क ले सकते हैं और इनको जो है सी वी सी भी बना सकते हैं अगर आप इसके साथ रिस्क लेते हैं तो। और पूजा वस्त्राकार, पूजा वस्त्राकार को जरूर से ज़रूर अपने टीम में सिलेक्ट करें और सी वी सी भी बना लें अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो। और यहाँ पे जो है अब बच जाता है किसको अपने टीम में रखना है, तो वो जो है आपका यहाँ पे शबनी मिश्मेल और साइका इशाक, बॉलर से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये 2 बॉलर आपको काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट देंगे। और शबनी मिश्मेल को आप चाहें तो सी वी सी बना सकते हैं, ठीक है, सी वी सी आप चाहें तो बना सकते हैं शबनी मिश्मेल को, साइका इशाक को आप ना बनाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा, अगर बनाए तो आप रिस्क ले सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेटाली साइवर नजर आ रहा होगा, इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए ना बनाए लेकिन अपने टीम में जरूर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ओवरऑल टीम कंपैरिजन आप यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। टोटल मैचेस जो है यूपी वॉरियर ने 10 खेले, मुंबई ने भी 10 खेले। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल मैचेस विनिंग की, तो यहाँ पे 4 मैचेस विन किए हैं यूपी वॉरियर ने और 6 मैचेस विन किए हैं मुंबई इंडियंस ने। और अब बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 151 रहा है और यहाँ पे 137 रहा है एमआई का, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर की, तो हाईएस्ट स्कोर जो है यूपी का जो है
182 रहा है 4 विकेट के नुकसान पे और 171 रहा है 5 विकेट के नुकसान पे। आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे विकेट काफ़ी अच्छा खासा जो है गिर रहा है MI का, और यहाँ पे काफ़ी कम रन बन रहे हैं, और इसके जो है यूपी वॉरियर के 182 रहे हैं 4 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ पे 5 विकेट के नुकसान पे 171 ही स्कोर कर पाया है, ठीक है, एवरेज स्कोर। और यहाँ पे बात करते हैं लोवेस्ट स्कोर की, तो लोवेस्ट स्कोर जो है यहाँ पे 119 है 9 विकेट के नुकसान पे यूपी वॉरियर का, और यहाँ पे 110 है 10 विकेट के नुकसान पे MI का। यानी कि हर चीज़ में जो है यूपी वॉरियर MI से आगे है, लेकिन पिछला मैच जो है MI ने लूज़ करा है, तो ये मैच मुंबई इंडियन लेके जाने वाली है। यूपी वॉरियर आज का जो ये मैच है हारने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग मुंबई इंडियंस से ज़्यादा प्लेयर को सिलेक्ट करें, ताकि आप जो है अच्छा खासा पॉइंट बनाएं, और जब आपका पॉइंट बनेगा तभी आप SL और GL दोनों ही विन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टॉप बैटर और टॉप बॉलर। इन अब टॉप बैटर में किसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो है जी हैरिस यूपी वॉरियर से हैं और ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पे 5 मैचेस में इन्होंने 158 रन बनाया है, ठीक है। यस्तिका भाटिया की बात करें तो मुंबई इंडियंस वुमेन्स हैं और विकेट कीपर हैं, और यहाँ पे 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से 121 रन बनाए हैं, ठीक है, यस्तिका भाटिया। तो इसको आप अपने टीम में सिलेक्ट तो करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना लेंगे, ठीक है। और ग्रेस हैरिस जो है ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा खेल रही है, पिछले कई मैचेस में एवरेज रही है, उतना अच्छा कर ही नहीं है, तो ग्रेस हैरिस के साथ आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ए हेली की, तो यूपी वॉरियर वोमेन से है, विकेट कीपर हैं, 5 मैचेस खेले हैं और 139 रन बनाए हैं। तो विकेट कीपर में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि 2 लें या 3 लें, तो आज जो है इन दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं अमेलिया कर की, जो कि मुंबई इंडियंस से ऑलराउंडर हैं और यहाँ पे 4 मैचेस खेले हैं, 7 विकेट निकाले। अमेलिया कर बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इनका जो है पिछले मैच में चला नहीं और इन्होंने विकेट नहीं निकाल पाया, ठीक है। सो ये जो है इस वाले मैच में अच्छा करेंगी और अच्छा जो है विकेट निकाल के आपको पॉइंट देंगी, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर से ज़रूर बना लें, ऑलराउंडर हैं, आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको यहाँ पे स्कोर आपको देने वाली है, पॉइंट देने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं एस इक्लेस्टोन की, जो कि यूपी वॉरियर से हैं, बॉलर हैं, 5 मैचेस खेले हैं और यहाँ पे 7 विकेट निकाले हैं, तो इसको भी आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लेंगे एस इक्लेस्टोन को। तो इक्लेस्टोन को इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये बॉलर है यूपी वॉरियर से और काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नटाली शाइवर ब्रंट की, जो कि पिछले मैच में आपने देखा होगा फ्लॉप रही, उतना अच्छा खासा कर नहीं पाई, मुंबई इंडियंस वुमेन से हैं, ऑलराउंडर हैं और इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट निकाले हैं। तो नटाली शाइवर ब्रंट जो है ये आपको विकेट लेके भी आपको पॉइंट देंगे और यहाँ पे जो है ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट देंगे नटाली शाइवर ब्रंट, ठीक है। तो इसको आप अपने टीम में जरूर से जरूर सिलेक्ट कर लें, चाहे आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं या ना बनाएं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हेड टू हेड मैचेस कितने प्ले हुए हैं, तो हेड टू हेड मैचेस यहाँ पे 3 प्ले हुए हैं इन दोनों के बीच, जो कि यूपी वॉरियर ने 1 मैच विन करे हैं और यहाँ पे 2 मैच जो है मुंबई इंडियंस ने विन करे हैं। रिसेंट मैचेस की बात करें तो 2 मैचेस लगातार यहाँ पे लूज करे हैं मुंबई इंडियन ने, फिर 2 मैचेस विन करे हैं और 1 मैच जो है पिछला मैच लूज करा है मुंबई इंडियन ने, और यही लूज करने की वजह से आज का मैच जो है ये मुंबई इंडियन लेके जाने वाली है। और दोनों ही टीमें काफ़ी तगड़ी टीम है, तो आज कांटे की टक्कर तो होगी ही होगी, करो या मरो की स्थिति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस आज लेके जाने वाली है, ठीक है। और अब बात करते हैं यूपी वॉरियर की रिसेंट मैचेस की, तो इन्होंने 2 मैचेस विन करे हैं, फिर 1 लूज़ कराया, फिर विन कराया, फिर लूज़ कराया। अब दोनों ने रिसेंट मैचेस लूज़ कराए यहाँ पे, अब बारी है कि जीते कौन, तो करो या मरो की स्थिति है। तो ये यूपी वॉरियर भी कुछ कम नहीं है और मुंबई इंडियंस भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच आज जो है मैच लेके जाने वाला है मुंबई इंडियंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर, तो आज का जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर है आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे एलाइजा हेली, शबनम इस्माइल, राजेश्वरी गायकवाड़ और हुमेरा काजी, नटाली शाइवर ब्रंट, इसको जो है आप अपनी टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे, यही आपको काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट देंगे, जिससे आप SL और GL दोनों ही विन कर पाएंगे, ठीक है, और मिनी GL भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो एस शेरावत, अमेलिया कर, एच कौर और यहाँ पे KP नेफगिरे को आप सेलेक्ट करेंगे रिस्क वाले टीम में, जो कि आपको यहाँ पे रिस्क लेना ही लेना है। अगर आप GL विन करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं CF कैप्टन वाइस कैप्टन की,
तो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन वो सिलेक्ट करते हैं जिसको अपने एक टीम बनाए हैं, और वो नहीं चाहते कि अपना जो है जितना इन्वेस्ट करा है वो लूज हो, उतना का उतना आप उनको जो है मिल जाए या कुछ ज़्यादा जो है मिल जाए, जैसे 200 मिल जाए, ठीक है, जैसे 90 मिल जाए, और उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 49-39 का इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनको कम से कम अमाउंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं चाहते कि हमारा जो है यहाँ पे लूज़ हो, तो वो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जा सकते हैं। और अगर आप एसएल वाला टीम खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप अच्छा खासा अमाउंट जो है अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है अमनजोत कौर, हैली मैथ्यू, ग्रेस हैरिस और यहाँ पे नेटाली शायर ब्रांड को आप सेलेक्ट कर लेंगे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फिक्स कॉमन प्लेयर। तो फिक्स कॉमन प्लेयर क्या है? तो फिक्स कॉमन प्लेयर वो है जो कि आपको हर टीम में सिलेक्ट करना है, ये आपको अपने टीम में जो है उतना अच्छा करे या ना करे, लेकिन जो डीटी प्लेयर जो है उसमें ये जरूर रहते हैं, ठीक है, वो है पूजा वस्त्रकार, यस्तिका भाटिया, एस संजन, अंजलि शर्वानी, अमनजोत कौर और यहाँ पे हैली मैथ्यू। तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये उतना अच्छा करे या ना करे लेकिन ये डीटी प्लेयर में जरूर रहेंगे। और यहाँ पे आपको नजर आ होगा हैली मैथ्यू, तो हैली मैथ्यू के साथ आप जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, आज हैली मैथ्यू को भी आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीएल रोटेटिंग प्लेयर की। तो जीएल रोटेटिंग प्लेयर कुछ इस तरह से है, एच कौर, नेटाली शायर ब्रेंट, यस्तिका भाटिया, शबनम इस्माइल, ग्रेस हैरिस और अमेलिया कर, ये जो प्लेयर है ये जीएल रोटेटिंग प्लेयर है। सब जितने भी आप जीएल टीम बना रहे हैं, अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं उसमें आपको रोटेट कर लेना है इसको, ठीक है। फर्स्ट टीम में आपने मान लिया कि एच कौर और नेटाली शायर को आपने सेलेक्ट करा, तो सेकंड टीम में इन दोनों को ड्रॉप करके आप यहाँ पे यस्तिका भाटिया और शबनम इस्माइल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आप रोटेट कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल लीग की, जो कि स्मॉल लीग में आप किसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे 4 प्लेयर को जो कि आपको स्मॉल लीग विन कराएंगे, ठीक है, एसएल जो है विन कराएंगे। तो एसएल विन करने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यूपी वॉरियर्स से ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा और मुंबई इंडियंस से अमेलिया कर और नेटाली शाइवर को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 4 प्लेयर हो जाते हैं जो कि आपको स्मॉल लीग विन कराने वाले हैं आज, ठीक है, या फिर विन करा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रैंड लीग की, ग्रैंड लीग कौन विन कराने वाले हैं, किसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं, तो वो प्लेयर हो जाते हैं आपके यूपी वॉरियर्स से ताइमा ठाकुर और यहाँ पे कमारी अट्टापट्टू, ठीक है, तो इसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं। और मुंबई इंडियंस की बात करें तो हुमैरा काजी और यहाँ पे अमनजोत कौर, ठीक है, तो ये जो प्लेयर है इसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा अमनजोत कौर ने उतना अच्छा करा नहीं है और कर नहीं पाया है, ठीक है, आउट होके चली गई, लेकिन इस वाले टीम में हो सकता है कर जाए, तो इसके साथ हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेथ ओवर बॉलर की, डेथ ओवर बॉलर में किसे सिलेक्ट करें, हमें जो है विकेट लेके दे और पॉइंट बनाए। यहाँ पे आपको भी पता है कि एक विकेट पे यहाँ पे 25 पॉइंट बनते हैं, ठीक है, और जो कैच लेता है उसका अलग 8 पॉइंट बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 25 पॉइंट अगर आपको अर्न करना है तो लेना है, तो वो जो है डेथ ओवर बॉलर ही आपको दे सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो जाता है, यूपी वॉरियर्स से सोफी क्लेस्टन और अंजलि शर्वानी को आपको सिलेक्ट कर लेना है, मुंबई इंडियंस से आप शबनम इस्माइल और पूजा वस्त्रकार को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बना बनाया हुआ टीम, इस टीम में मिलेंगे आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर चल रहा है गिवअवे, गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपको कमेंट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जो कि आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 विकेट कीपर सेलेक्ट कर रखा है, ए हैली और यस्तिका भाटिया को हमने, ठीक है, और यहाँ पे जो है एच कौर को सिलेक्ट करेंगे और पीएन खेमनार को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कि बैटर हो जाता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलराउंडर जो है हमारे सिलेक्ट करेंगे जी हैरिस, एच मैथ्यू, दीप्ति शर्मा और अमेलिया कर। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉलर की, तो एस ए क्लेस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़ और शबनम इस्माइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है साइका इसाक को, आप चाहें तो शबनम इस्माइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसमें से आपको करना क्या होगा कि एक जो है ऑलराउंडर आपको ड्रॉप करना होगा या फिर आपको एक विकेट कीपर ड्रॉप करना होगा, तभी आप यहाँ पे शबनम इस्माइल को सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है टीम बन जाता है और टीम में जो है आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन मिलता है। तो चलिए 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। तो ए हैली और यहाँ पे
यस्तिका भाटिया को पहले फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे विकेट कीपर में ही एक मिल जाता है, ठीक है, और एच कौर और यस्तिका भाटिया को बना लेंगे, ये हमारे सेकंड टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक हैली मैथ्यू और यहाँ पे एमेलिया कर, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ये हमारे थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। फिफ्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलराउंडर और बॉलर से हम बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रेस हैरिस और एस एक्लेस्टन को बना लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे फिफ्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। सिक्स टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन सिर्फ और सिर्फ बॉलर में बनाएंगे, इक्लेस्टन और यहाँ पे साइका इसाक को बनाएंगे, ये हमारे सिक्स टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सबनी मिशमेल को सिलेक्ट करके रखा है तो आप जो है इक्लेस्टन और यहाँ पे सबनी मिशमेल को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं किसी किसे आपको 5 से 6 टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। और कल जो था हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, गिव अवे में आप में से कोई एक बन सकता है लकी विनर, और लकी विनर को मिलेंगे स्मार्ट वॉच। तो जल्दी से जाइए, जाके हमारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अभी जो है हमारे जो भी विनर बनेंगे उसको जो है स्मार्ट वॉच मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें चेक करी जाएगी। जो भी ये तीनों चीज़ें ज्वाइन करा हुआ रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ रहेगा, हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा, और हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर फॉलो किया हुआ रहेगा, तो ये तीनों चीज़ें की हुई रहेगी। तो हम रैंडम कमेंट पिकर से कमेंट उठाएंगे, आप में से कोई एक बन सकता है लकी विनर, तो उस लकी विनर को मिलेगा स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो जल्दी से जाके ये सारी चीज़ें करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का, और आप हमें कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।